नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सो आज हम जेठवन में 11 ऑफ जून 2022 में है और हम जो सुत्ता हम आज पढ़ेंगे वो मज्जिमा निकाय का 19वां चुट्टा है, MN 19। सो इसका नाम है टू काइंड्स ऑफ थॉट्स। इसका मतलब है दो तरह के विचार। सो जब आपका विचार आते हैं तो किस तरह से वो आप उस विचारों को आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं उस विचारों के बारे में, उस तरह बुद्ध ने कहा है। तो ये जो बुद्ध के वचन हैं हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। ऐसा मैंने सुना है, जब भी आप सूत्र का शुरुआत होती है, जब आप सुनते हैं कि ऐसा मैंने सुना है, तो वो जो हमारे भिक्खु आनंद है उन्होंने याद करके ये याद रखा है और उन्होंने फिर से इसको स्टोर किया है या आपको उसको कंटेस्ट करके वो उन्होंने बताया है, तब ये ऐसा मैंने सुना है ऐसा चालू होता है। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिका के आराम जेठवन में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं। सो अभी जो है अनाथ पिंडिका का जो ये आराम है, वहाँ पे जेठवन का नाम क्यों आता है? क्योंकि जेठवन, जेठा जो था, जेठा हम लोग बोलते हैं ज्येष्ठ, तो वहाँ पे एक प्रिंस था या राजकुमार, तो उसके ये जो आराम था जो है उसका नाम पे था, जेठाज ग्रो मीन्स उसका ये पार्क था। तो अनाथ पिंडिका ने उसे खरीदा था, इस हिसाब से उसका भी नाम वहाँ पे है। मगर इसके लिए भी एक अच्छी कहानी है कि जब वो अनाथ पिंडिका ने उसने पार्क मांगा था, तो जेठा बहुत ही जो है अमीर ये था, राजकुमार था, तो उसे बेचना नहीं था। तो उसने कहा कि जितना जमीन पे आप सोना रखोगे उतना मैं आपको जमीन बेचूँगा, इतना मेरे कीमत है। तो उसको ऐसा था कि अनाथ पिंडी का वो पैसा नहीं भर पाएगा और वो आपका जो है वो वापस वो आएगा नहीं। मगर अनाथ पिंडी का ने कुछ दो बोलते हैं जो कार्ट लोड्स बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ियाँ, दो बैलगाड़ियाँ भर के वो अशरफिया लेके आया और वहाँ पे डालने लगा। तो किसी ने उसके कुछ नौकर ने जेठा को आके बोला कि वो इस तरह से कर रहा है अनाथ पिंडिका, तो वो वापस वहाँ भाग के आया और बोले कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ये जमीन इतनी तो महंगी नहीं है। तो बोलते कि मैं ये बुद्ध के लिए रह रहा हूँ, इस हिसाब से ये जितना भी इसका खर्चा है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जेठा ने बोला जितना आपने जमीन के ऊपर अशरफिया रखी है उतनी अशरफिया का वो जमीन मैं आपको बेचता हूँ और बाकी की जमीन जो है मैं दान करता हूँ। तो इसलिए ये दोनों का नाम इसमें आता है और बुद्ध ने यहाँ पे बहुत सारे साल जो है वर्षावास यहाँ पे बिताए हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है। सो उन्होंने अभी भिक्खुओं को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा भदंत, अन्य भिक्खुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, बोधित्व प्राप्त से पूर्व भी बोधिसत्व होते वक्त मेरे मन में ऐसा हुआ, मान लीजिए कि मैं अपने विचारों को दो वर्गों में बांटता हूँ। फिर मैंने एक तरफ कामुक इच्छा के विचार, दुर्भावना के विचार और क्रूरता के विचार रखे और दूसरी तरफ मैंने त्याग के विचार, गैर दुर्भावना के विचार और गैर क्रूरता के विचार रखे। सो अभी बुद्ध ने क्या किया, जब जब वो बोधिसत्व थे, अभी यहाँ पे जब बुद्ध अपने आप को उनके बोधि प्राप्त होने के पहले के बारे में बात करते तभी बोधिसत्व का नाम आता है। इससे इसके पूर्व और इसके अलावा किसी के ऊपर बोधिसत्व का जो है वो कहते नहीं है। अपने आप को जब उनका जो बोधि आई उससे पहले जो भी हुआ उस तरह से, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी प्रैक्टिस वो करते थे तो तब बोधि प्राप्त होने से पहले उस समय के बारे में जब बात करते थे तो वो बताते थे कि मैं जब बोधिसत्व था। तो उन्होंने क्या किया, मैं विचारों को दो खंडों में बांटूंगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे विचार है जो अच्छे विचार हैं और एक ऐसे विचार है जो बुरे विचार है। तो उस तरह से दो खंडों में उन्होंने सोचा कि मैं
बांटूंगा। जैसे जैसे मैंने इस प्रकार मेहनती, उत्साही और दृढ़ निश्चय का पालन किया, मेरे मन में कामुक इच्छा का विचार उत्पन्न हुआ। मैं इस प्रकार समझ गया, कामुक इच्छा का यह विचार मुझ में उत्पन्न हो गया है। तो ये आपको समझना है कि जब हम सही प्रयास का कहते हैं या शिक्षार का बोलते हैं, रिकॉग्नाइज या पहचानना पहला स्तर है। आपके शीट तो दिया है ना हमने, उसके अंदर आप देखिए पहचानना, तो आप पहचानते हैं कि आपका मन अभी आपके कल्याण मित्र पे नहीं है। तो बुद्ध भी अभी पहचानते हैं कि आप उसका मन जो है अभी कामुक इच्छा पे अभी है, तो उस तरह से उनका मन अभी भटक गया है, तो वो पहचानते हैं। यह मेरे अपने दुख की ओर ले जाता है और दो औरों के दुख देता है और दोनों को दुख देता है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो कोई भी जो विचार है जो आता है, अगर वो कामुकता से जुड़ा हुआ है तो वो दुख देता ही है। जैसे अगर आपको कोई समझो जॉब में है, आपको कोई प्रमोशन चाहिए, आपको बहुत सारा ऐसे इच्छा है, तो फिर क्या करेंगे, आप झूठ भी बोलेंगे, आप किसी के बारे में निंदा भी करेंगे, और किसी को अगर प्रमोशन मिलने वाला रहेगा तो उसकी बारे में कुछ चुगली भी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा आ गई है। तो क्या है, वो उस सब चीज़ करने से क्या होता है, शील का टूटता है। अगर जब शील टूटता है तो अपना नुकसान होता है, जब आप ये बुरी बातें करते हैं, इस तरह से आप छल करते हैं, तो दूसरों का भी नुकसान होता है और दोनों का नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से वो सोचते हैं कि ये इसमें क्या है कि दोनों का अभी ये नुकसान है। ये मेरे अपने दुख की ओर ले जाता है और औरों के दुख देता है और दोनों को दुख देता है। ये ज्ञान में बाधा डालता है, कठिनाइयों का कारण बनता है और निर्वाण से दूर ले जाता है। जब मैंने सोचा यह मेरे अपने दुख की ओर ले जाता है, यह मुझ में कम हो गया। जब मैंने सोचा कि इससे दूसरों का दुख होता है, यह मुझ में कम हो गया। जब मैंने सोचा इससे दोनों का दुख होता है, यह मुझ में कम हो गया। जब मैंने सोचा यह ज्ञान में बाधा डालता है, कठिनाइयों का कारण बनता है और निर्वाण से दूर ले जाता है, यह मुझ में कम हो गया। जब भी मेरे मन में कामुक इच्छा का विचार उत्पन्न हुआ, मैंने उसे त्याग दिया। सो पहले क्या कहते हैं कि कभी भी जब आता है, हम क्या बोलते हैं, सही प्रयास में पहले आपका मन, आपको पता चलता है कि आपका मन भटक गया है, तो आपको क्या करना है, पहले रिहा करना है आपका मन को, तो उसको त्यागना है, तो उससे झगड़ा नहीं करना है। तो इसने दूसरा दो शब्द इस्तेमाल किया है, उसे हटा दिया, उसे दूर कर दिया। तो दूर करना, हटाना ऐसा नहीं है कि झगड़ा करना है या उसे दबाना है। जो भी विचार आता है उसे दबाना नहीं है, ना ही हटाना है, मीन्स उसे दूर करना है हमसे। तो आप किस तरह किस चीज़ को दूर करेंगे, आपका ध्यान उसमें से हटा लेंगे। तो कहाँ ध्यान लाएंगे, ध्यान अपने मस्तिष्क पे लाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, शीतल करेंगे, फिर स्माइल करेंगे और फिर आप अपने कल्याण मित्र पे जाएंगे। उस तरह से आप अपने जो ध्यान है वहाँ से हटा देंगे। जब मैंने इस प्रकार मेहनती, उत्साही और दृढ़ निश्चय का पालन किया, तो मेरे मन में दुर्भावना का विचार पैदा हुआ, मेरे अंदर क्रूरता का विचार पैदा हुआ। मैं इस प्रकार समझ गया, क्रूरता का यह विचार मेरे अंदर पैदा हो गया है, यह मेरे अपने दुख की ओर ले जाता है, औरों को दुख देता है और दोनों को दुख देता है। यह ज्ञान में बाधा डालता है, कठिनाइयों का कारण बनता है और निर्वाण के से दूर ले जाता है। जब मैंने ऐसा सोचा, यह मुझ में कम हो गया। जब भी मेरे मन में क्रूरता का विचार आया, मैंने उसे त्याग दिया, उसे हटा दिया और उसे दूर कर दिया। तो हर प्रकार के विचार जो आपके मन में आते हैं, उसे आपको समझना है कि ये विचार जो है अभी हम क्या कहते हैं कि मेत्ता का भावना आपको रखना है। तो वैत्ता का भावना का विचार नहीं है, तो कोई भी अगर दूसरा विचार है, अगर ऐसा विचार भी आया कि मैं पूरी दुनिया के दुख कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो भी आपको वो विचारों को छोड़ देना है, क्योंकि ये अभी हमारे जो हमारा गोल है, हमारा ध्येय है, उससे हमें दूर लेके जा रहा है। तो जो भी आपका मन में विचार आता है, उसे आपको रिहा करना है। पहले तो आप पहचानते हैं, फिर उसे रिहा करते हैं,
रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, वापस अपने कल्याण मित्र पे आ जाते हैं। तो उस तरह से वो उन्होंने जो भी आया मन में उसे रिहा कर दिया। भिक्षुओं, ये भिक्षुओं कहा गया क्योंकि ये जो संबोधित किया गया था भिक्षुओं को, तो यहाँ पे साधक को भी कह सकते हैं। तो कभी कभी मैं साधकों को भी ऐसा मैं रीड करूँगा, तो आपको भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। एक भिक्षु जो भी बार बार सोचता है और उस पर मंथन करता है, वह उसके मन का झुकाव बन जाएगा। सो अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप बार बार उसे पे सोचेंगे, उस पर मंथन करेंगे, तो आपका मन का झुकाव वहीं हो जाएगा। तो आपको जिस बार आप अभी आप आए हैं यहाँ पे, अगर आप बार बार आप मेत्ता पे और आपका कल्याण मित्र पर मन डालेंगे, तो आपका झुकाव कहाँ पे जाएगा? धीरे धीरे अभी आपके मेत्ता पे जाएगा, क्योंकि आपका झुकाव क्या था, जो आपका मन इधर उधर ले जा रहा है, जो वो आपके जो धारणा है, जो भी आपके पुराने विचार है, जो भी आपकी पुरानी आदतें हैं, वो पुरानी आदतें आपको पुराने विचारों पे ले जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, उसे पहचानते हैं, रिहा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, वापस आते हैं। तो जैसे आप ये करते रहते हैं, तो आपका क्या जाता है, आपका जो झुकाव है मित्रता के ऊपर जाता है, आपके कल्याण मित्र के ऊपर जाता है। तो उस तरह से आपका मन का झुकाव होता है। यदि वह बार बार सोचता है और कामुक इच्छा के विचार पर विचार करता है, तो उसने कामुक इच्छा के विचार को विकसित करने के लिए त्याग के विचारों को त्याग दिया, और फिर उसका मन कामुक इच्छा के विचारों में झुक जाता है। यह यदि वह बार बार सोचता है और दुर्भावना के विचारों पर विचार करता है या क्रूरता के विचारों पर विचार करता है, उसने अक्रूरता के विचारों को विकसित क्रूरता के विचारों को विकसित करने के लिए गैर क्रूरता के विचारों को त्याग दिया, और फिर उसका मन क्रूरता के विचारों को की ओर झुक जाता है। तो आपका मन का विचार, जहाँ पे भी आपका मन का जो ध्यान जाता है, वहीं आपका मन झुकता है। तो आपका जो मन का ध्यान कहाँ जाता है, जहाँ पे भी आपकी आदतें हैं। तो जैसे पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद में आप ये करते हैं, तो उस तरह से इस जो प्रोसेस है, इसका जो जिस तरह से ये कार्य करता है, उसको पतिच सम्मुपदा बोलते हैं या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं। उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस पूरा किस तरह से काम करता है। अभी आपको देखना है कि जितना हो सके उतना आपका जो सही प्रयास है, आपको उसको विकसित करना है। अगर जो आप दिशा में कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के अंतिम महीने में पतझड़ में जब फसलें पकती है, एक चारा अपनी गायों को इस तरफ लगातार हल्के से दबाता है और उन्हें रोकने के लिए एक छड़ी से साथ उनकी रक्षा करता है। तो अगर आप गांव से हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब फसलें रहती है और गाय भैंसे जो चराने वाला रहता है, वो क्या करता है कि अपने गायों को अपने छड़ी से एक जगह पे रखता है, उसे इधर उधर जाने नहीं देता है, क्योंकि अगर वो इधर उधर गया तो वो फसल में चले जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह देखता है कि अगर वह उन्हें फसलों में भटकने देता है, तो उसे कोड़े कैद, जुर्माना या दोषी ठहराया जा सकता है। इस तरह मैंने अस्वस्थ अवस्थाओं में भी देखा है कि खतरा है, पतन है और मलिनता है, और स्वस्थ अवस्थाओं में त्याग का आशीर्वाद है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने देखा कि अगर कोई भी जो विचार आता है, तो विचार के अंदर अगर वो विचार जो है आपका मेत्ता के ऊपर है,
आपके कल्याण मित्र के ऊपर है तो वो अच्छी चीज़ है। तो जो भी चीज़ जो अच्छी है उसके ऊपर आप मन दे सकते हैं। जब आपका जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका जो मन है जो है वो एक उस तरह से रहता है कि जिस तरह से ये भैंसे हैं या जो गाय हैं वो फसल के ओर जाती है, क्योंकि उनका आदत है कि वो चारे की ओर जाती हैं। तो इस तरह से आपका मन का आदत है कि वो विचारों की तरफ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर टाइम विचार यहाँ पे गए, पहचानना है, यह करना है, रिलैक्स करना है, स्माइल करना है, वापस अपने ध्येय पे आना है। तो एक जैसे चारागाह है या जो जो अपना ये व्यक्ति है जो गायों को संभालता है, तो किस तरह से वो फसल जब है वो पकी हुई किस तरह से ध्यान देता है। तो अभी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी आपका मेहनत का समय चालू हुआ है। तो आपका जो परिश्रम का समय है तो तब आपको मन का जो है कहाँ पे किस तरह से जा रहा है उसको आपको देखना है। क्यों ये विचार आ रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों मुझे ऑफिस के विचार आ रहे हैं, क्यों मेरे घर के विचार आ रहे हैं, क्यों मेरे जो बीत चुका है उसके विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों के बारे में नहीं, किस तरह से वो आ रहे हैं, किस तरह से मेरा मन जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि मेरा मन पूरी तरह भटकने से पहले क्या हुआ, आपको वो देखना है। आपको बार बार पूछना है कि मेरा मन पूरी तरह भटकने से पहले क्या हुआ। अगर आपको समझ में आता है कि मेरा मन पूरी तरह भटकने से पहले ये हुआ तो वहीं पे आप छोड़ सकते हैं। तो ये चरणों में आपका मन जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी तो मेहता भेज रहा था और अभी मैं ये सोच रहा हूँ, मगर ये जो मन जाता है चरणों में जाता है। तो आपका जो एकाग्रता है वो भी आपको धीरे धीरे विकसित होगी। जब क्या विकसित होगी, जब आपका जो मन का जो रुझाव है आप अपने कल्याण मित्र पे देंगे और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देने पे रखेंगे। इस प्रकार मेहनती, उत्साही और दृढ़ संकल्प का पालन करते हुए मेरे मन में त्याग का विचार उत्पन्न हुआ। मैं इस प्रकार समझ गया, यह त्याग का विचार मुझ में उत्पन्न हुआ है। इससे ना तो मेरा अपना दुख होता है, ना दूसरों का दुख, ना दोनों का दुख। यह ज्ञान की सहायता करता है, कठिनाइयों का कारण नहीं बनता और निर्वाण की ओर ले जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई भी एक अच्छी चीज़ है, जैसे मेहता है, मेहता के ऊपर आप ध्यान देंगे तो कोई कठिनाई या कोई भी बुरी चीज़ नहीं हो सकती है आपके। तो मेहता का ध्यान अगर आप देते तो आपका बुरा नहीं हो सकता। आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो क्या उसका बुरा होगा, उसका भी बुरा नहीं हो सकता। तो दोनों का अच्छा होगा। तो ये इस तरह से जो हमने मेहता दिया है या बुद्ध ने ही बताया है मेहता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के बारे में, ब्रह्म विहारा के बारे में, तो उस तरह से उस विचारों पे जितना भी आप मंथन करें उसके अंदर आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। अगर मैं इस विचार पर एक रात के लिए भी या तक कि एक दिन एक के लिए या तक कि एक रात और एक दिन के लिए भी सोचता हूँ और मंथन करता हूँ तो मुझे इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई अच्छी बात आती है, अच्छा विचार आता है, तो उसके ऊपर पूरा दिन मैं बिता सकता हूँ, पूरी रात बिता सकता हूँ या पूरा दिन और रात बिता सकता हूँ, मगर उसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अत्यधिक सोचने और विचार करने से मैं अपने शरीर को थका सकता हूँ और जब शरीर थक जाता है तो मन तनावग्रस्त हो जाता है और जब मन तनावग्रस्त हो जाता है तो वह एकाग्रता से दूर हो जाता है। सो अभी यहाँ पे उन्होंने बहुत सोचने के बारे में कहा, तो हम लोग ज़्यादा सोचने के लिए नहीं कहते, इसलिए बोलते हैं कि जो आप मंत्र की तरह भी हो, मेरा जो मित्र सुखी रहे वैसा नहीं करना है आपको। सिर्फ याद करने के लिए, अगर समझो आपको लगा 5 मिनट 10 मिनट के बाद में आपका जो मेहता का भावना कम हो रही है, तो आपको याद करने के लिए कहना चाहिए कि मेरा जो मित्र है सुखी रहे, मगर आपका पूरा ध्यान आपका इस भावना पे रहना चाहिए। और जितना भी आप उसके ऊपर आप ज़्यादा समय बिताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो शरीर के अंदर तनाव की बात है, तो उस तरह से आपको जब बैठते हैं और बैठने पे आपको कोई तकलीफ होती है तो उस तरह क्यों नहीं बैठने के लिए कहते हैं कि क्योंकि ये हम मन का काम कर रहे हैं, शरीर का नहीं।
कल भी मैंने आपको बताया था कि ये काम जो है हमारा मन का है, शरीर का नहीं है, तो शरीर को यातना ना दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जिस तरह बैठने पे आपको दुख होता है या तकलीफ होती है या आपको पीड़ा होती है, तो उस तरह से आपको नहीं बैठना है। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चेयर में आपको पीड़ा नहीं होती है तो आप चेयर में बैठ सकते हैं। तो कि आपको आपका शरीर को जितना आप अच्छी तरह से रखेंगे तो उतना अच्छी तरह से आपका मन का कार्य भी होता है। तो उस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने अपने मन को आंतरिक रूप से स्थिर किया, इसे शांत किया अखंडता के लिए, और इसे इसके इसे केंद्रित किया। ऐसा क्यों? ताकि मेरा मन तनाव में ना रहे। तो आपका मन तनाव में नहीं रहेगा कब? जब आपका मन केंद्रित रहेगा, आपका मन किसी चीज़ के ऊपर टिका रहेगा। तो कौन सा चीज़ सबसे अच्छा है? मैत्ता का भावना। तो जब हमारे कल्याण मित्र पे आपका मन टिका रहना चाहिए। इस प्रकार मेहनती, उत्साही और दृढ़ संकल्प का पालन करते हुए मेरे मन में गैर दुर्भावना का विचार पैदा हुआ, मेरे अंदर गैर क्रूरता का विचार पैदा हुआ। मैं इसे इस प्रकार समझ गया, यह अक्रूरता का विचार मेरे भीतर उत्पन्न हुआ है। इसे ना तो मेरा अपना दुख होता है, ना दूसरों का दुख, ना दोनों का दुख। यह ज्ञान की सहायता करता है, कठिनाइयों का कारण नहीं बनता और निर्वाण की ओर ले जाता है। तो जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आपको निर्वाण की ओर ले जाएगा, क्योंकि जो है ये बुद्ध का ही जो वचन है और बुद्ध का ही जो प्रैक्टिस है हम आपको सिखा रहे हैं। अगर मैं इस विचार पर एक रात के लिए भी, या तक कि एक दिन के लिए भी, या तक कि एक रात और दिन के लिए भी सोचता हूँ और मंथन करता हूँ, तो मुझे इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अत्यधिक सोच और विचार करने से अपने शरीर को थका सकता हूँ। तो उस तरह से उन्होंने फिर से सोचा कि इस तरह से नहीं करना चाहिए और मेरा मन को एकाग्र रखना चाहिए। भिक्षु, एक भिक्षु जो बार बार सोचता है और उस पर मंथन करता है, वह उसके मन का झुकाव बन जाता है। यदि वह बार बार त्याग के विचारों पर विचार करता है और सोचता है, तो उसका उसने त्याग के विचारों को विकसित करने के लिए कामुक इच्छाओं के विचारों को त्याग दिया है। और फिर उसका मन त्याग के विचारों में झुक जाता है। अगर वह बार बार सोचता है और गैर दुर्भावना के विचारों पर विचार करता है, तो गैर दुर्भावना गैर क्रूरता के विचारों पर सोचता है, उसने क्रूरता के विचारों को गैर क्रूरता के विचारों को विकसित करने के लिए छोड़ दिया है। और फिर उसका मन गैर क्रूरता के विचारों पर झुकता है। जिस तरह गर्मी में आखिरी महीने में जब सभी फसलें गांवों के अंदर लाई जाती थी, एक चारवाहा अपनी गायों को पेड़ की जड़ों में या खुले में रखकर अपनी गायों की रक्षा करता था, क्योंकि उसे केवल सावधान रहने का की जरूरत होती थी कि गायें हैं। इसलिए भी मुझे केवल इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता थी कि वे मन की अवस्थाएं वहाँ है। सो जैसे जैसे आपका विकसित होगा मन, तो फिर क्या होगा कि ये जो चंचलता है, ये जो विचलनता है, ये कम हो जाएगी। और आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ है। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं और दूसरे आपका जो एकाग्रता भी बढ़ती है, तो आपको इतना आपको कष्ट नहीं होगा। तब आपका मन कैसे हो जाएगा? मन इस तरह से हो जाएगा कि आपकी अवस्थाएँ यहाँ पे है, उतना ही आप समझ सकते हैं कि अभी मेरे मन में अभी मेहता मैं भेज रहा हूँ, उतना ही आपको ज्ञान रहना की ज़रूरत है। आपको फिर मेहनत इतना नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन विकसित होगा। उस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको समझा रहे हैं। मेरे अंदर अथक
ऊर्जा जागृत हुई और निरंतर ध्यान की स्थापना हुई। मेरा शरीर शांत था और बिना परेशानी के मेरा मन एकाग्र और एकीकृत था। सो जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपका मन क्या होगा, शांत होगा और एकीकृत होगा। एकीकृत का मतलब है आपका जो सारी इंद्रिया है और आपका जो मन का जो ध्यान है एक जगह पे आ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं कलेक्टेडनेस, हमारे इंग्लिश के अंदर जो हमारे बंत जी ने ट्रांसलेट किया है वो है कलेक्टेडनेस। इच्छाओं से काफी दूर, अस्वस्थ मन की स्थिति से दूर, मैंने प्रवेश किया और पहले जाना में निवास किया। तो अभी जो है बता रहे जैसे जैसे आपका मन शांत होगा फिर आप ये जाना स्थितियों में प्रवेश करेंगे। तो ये इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा बताया नहीं गया, तो अभी बाद में कोई हम सूत्ता में जाना के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये सारी जानकारी हमें नहीं दी गई है। मगर चार जाना होते हैं, पहला जाना, दूसरा जाना, तीसरा जाना और चौथा जाना। चौथा जाना में चार अरूप स्थिति रहती है, तो उस तरह से ये सारी स्थितियों के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये स्थितियाँ जैसे जैसे विकसित होती हैं तो कुछ उसके अंदर चीज़ें रहती हैं आपको वो हम बताएंगे किस तरह से होता है, किस तरह से ये आती है जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम एक दूसरा सूत्र है जो सारिपुत्ता के बारे में है, सारिपुत्ता ने जो इसका विश्लेषण किया है वो आपको बताएंगे। तो वो जाना के स्थिति के बाद बुद्ध का जो है ये एक चरण पहुंचता है जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तब मैं सीधे जानता था जन्म नष्ट हो गया है, पवित्र जीवन जिया गया है, जो किया जाना था वह किया गया था, अब और नहीं आना है किसी भी अवस्था के लिए। तो ये निब्बान का ये एक संक्षिप्त में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो भी आपका कार्य था, जो जो एक भिक्षु है वो उनका कार्य था, वो क्या कार्य है, वो कार्य था निब्बान तक पहुंचना। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने सीधी जानता था जन्म नष्ट हो चुका है, क्योंकि जन्म कब होता है, जब अगर समझो कि सारे चीज़ों का जो ये चीज़ है चालू होती है जन्म से होती है, तो इसलिए अगर कोई जन्म नहीं होगा तो कोई दुख का कारण नहीं पैदा हो सकता। तो जन्म का इस तरह से कहा जाता है कि जन्म नष्ट हो गया, तो फिर अभी कोई जन्म आपका नहीं होगा, या जो जो निब्बान प्राप्त करता है उसका जन्म नहीं होगा। पवित्र जीवन जिया गया है मीन्स आपका जो जीवन था, जो हम इसे होली लाइफ कहते हैं या पवित्र जीवन है, वो जो भिक्षु है या जो अभी बोधिसत्व है उन्होंने जी लिया है, क्योंकि उसका जो कारण था वो निब्बान तक पहुंचना है। जो किया जाना था वह किया जा चुका है, तो क्या किया जाना था, निब्बान तक पहुंचने का रास्ता तो वो कर चुके हैं, अब और नहीं आना है किसी भी अवस्था के लिए। सो दो बार ये जन्म के बारे में कहा जाए, पहले भी जन्म के बारे में, दूसरे भी कोई भी अवस्था के लिए आना नहीं है, मीन्स कोई भी इसके बाद में आपको अवस्था का अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीसरा सच्चा ज्ञान था जो मुझे रात के अंतिम पहर में प्राप्त हुआ था, अज्ञान का नाश हुआ और सच्चा ज्ञान उत्पत्र हुआ, अंधकार का नाश हुआ और प्रकाश का उदय हुआ। जैसे कि मेहनती, उत्साही और दृढ़ निश्चय व्यक्ति में होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अज्ञान का नाश हुआ, क्योंकि सारी चीज़ों का जो अभी पतिचा समुपादा भी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अज्ञानता जो है उसकी शुरुआत है सारी चीज़ों की। तो अज्ञानता का नाश होता है तो आपका क्या होता है कि सच्चा ज्ञान आपको मिलता है। तो आपको आपका जो तकलीफें हैं, जो आपको जो भी चीज़ें दुख पैदा करती है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये किस तरह से कार्य कर रहा है। तो इसके अंदर क्या चीज़, तीन चीज़ आपको ये पता नहीं है। एक चीज़ है कि आपको अनाथा, दुख
और क्या बोलते हैं अनिच्छा के बारे में आपको पता नहीं है। तो ये तीन हो गया चीज। फिर दूसरा चीज है चार आर्य सत्य के बारे में पता नहीं है, और तीसरा चीज क्या है पत्तिचा समुपादा के बारे में पता नहीं है। तो जब आपको ये तीनों चीज का अगर पूरी तरह से ज्ञान होता है तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये सूचनाएं नहीं है, कोई आप किताबों में पढ़ नहीं सकते, ये आपके अंतर मन से देख के ही आपको ये ज्ञान का प्राप्त होता है। ये जो बोधि है आपको खुद देख के ही आपको प्राप्त होती है, कोई पढ़ के आपको ये आप नहीं कर सकते। जैसे आपका अनुभव है आपके मेडिटेशन के अंदर, तो जो भी हम आपको बोल रहे करना वो ही चीज करते हुए आप निब्बान तक पहुंच सकते हैं, वही चीज करते हुए आपका ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि आपको पता चलता है कि ये नहीं था, अभी ये आया है और ये गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अनित्य है। और जब भी कुछ आता है और उसके खिलाफ होते, जैसे आपको पीड़ा हो रही थी, पीड़ा के खिलाफ आप हो गए तो फिर आप दुख पैदा करते हैं। जो सत्य है उससे झगड़ा करते हैं तो आप पीड़ा करते हैं। फिर अनाथा क्या है कि मैंने कहा नहीं था उसको आने के लिए, वो अपने आप ही आता है, अपने आप ही रहता है, अपने आप ही जाता है। तो उस तरह से आपको इसके बारे में ज्ञान होता है। तो जब आपको इस तरह से आप मेडिटेशन करते रहेंगे और आपका जो सही प्रयास है, सिक्स आर जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आप पहचानते हैं, रिहा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, आप अपने कल्याण मित्र के पास फिर से जाते हैं और इसको फिर से दोहराते हैं जब इसकी ज़रूरत रहती है। तो उस तरह से आप करते रहेंगे तो यही कार्य से आपको पता चलेगा आपका मन का कार्य किस तरह चल रहा है, और आपको इसके अंदर जानकारी मिलती रहेगी। तो ये जो है मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको ये कहानी बता देता हूँ कि अभी जो है भगवान बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि समझो ऐसा एक जंगल है, जंगल के अंदर एक जगह है जहाँ पे कुछ घास है, बहुत अच्छी घास है, और वहाँ पे कुछ वहाँ पे हिरने हैं, हिरने वो घास खाने को आती हैं। तो एक दुष्ट व्यक्ति रहता है, तो वो बोलता है कि अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो हिरनों का जाने का रास्ता है इसे मैं बंद कर दूंगा और यहाँ पे एक ही जगह से वो हिरने आ सके, जब वो हिरने आएगी घास खाने के लिए तो मैं इसका बंद कर दूंगा और ये सारे हिरने को मैं पकड़ लूँगा। तो फिर जब वो देख कोई एक अच्छा व्यक्ति है, वो देखता है कि ऐसा हुआ है, तो क्या करता है कि वो जो बाड़े बनाता है जो हिरनों को करने के लिए पकड़ने के लिए, तो वो तोड़ देता है और जो रास्ता जो है उसने अच्छा रास्ता है उसने उसने मिटा दिया है, उसको फिर से उजागर करता है अच्छे रास्ते को और हिरनों को अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाता है। तो ये ऐसा उदाहरण है कि जब जो जो अच्छी घास उग रही है वो ऐसे अच्छी जगह है, वो जो भी है आपने जो इच्छाएं पूर्ति के लिए जो चीज़ें हैं वो चीज़ है जो आपको इच्छाओं का पूर्ति करता है, मगर इच्छाओं का पूर्ति के हिसाब से क्या होता है आप वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि मारा जो है वो दुष्ट व्यक्ति है जो आपको उसके इच्छाओं से प्रलोभन देता है, आपको उसके तरफ खींचता है और आपको वहाँ पर फंसा देता है। मगर बुद्ध इस तरह से है जिससे जैसे एक भूला हुआ एक रास्ता है उसे वो साफ करते हैं और वो बाड़े को तोड़ देते हैं और आपको एक अच्छा रास्ता बताते हैं कि आपको आपकी मुक्ति हो जाए और आप फंसे नहीं। सो बुद्ध क्या कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकते हैं, बुद्ध आपको निर्वाण तक पहुंचा नहीं सकते, आप ही खुद अपने आप को निर्वाण तक पहुँचा सकते हैं। तो बुद्ध सिर्फ जो है आपको रास्ता बताएंगे, तो आपको उसके ऊपर पालन करना है। और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ जो आपको फायदा दे, जो भी जानकारी है जो हम आपको दे सकते हैं, मगर उस जानकारी को लेकर आपको उसके ऊपर प्रयत्न करना है, वो आपका काम है। तो अगर आप प्रयत्न करेंगे, आप उसके जिस तरह से हम कहते हैं उस तरह से करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। अगर आप मानेंगे नहीं, बातें करेंगे, मैंने कल तो कहा था बातें अभी कर रहे हैं कि नहीं, कोई को, जयेश आपने किसी देखा बातें करते हुए, तो आपको फिर हमने बार बार कहा कि बातें नहीं करना, बातें करने से मन का, जैसे यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि जैसे इच्छा का जो जो है अगर उनको कोई बुरी बात का ये आता है तो वो बुरी बात के ऊपर और सोचते हैं, तो
किस तरह से होता है कि जब भी कोई एक चीज आपका बारे में आप कोई बताते हैं तो उससे साथ में दूसरी चीज जुड़ी रहती है। आपको कोई किसी ने बोला कि अरे क्रिकेट का स्कोर क्या था, तो आपको कोई एक प्लेयर का याद आ जाएगा, अरे उसका क्या हुआ, फिर उसके प्लेयर के साथ में उसका दूसरा वाक्य आ जाएगा, उसने वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट किया था, फिर उस एडवर्टाइजमेंट से आ जाएगा कि ये उससे क्या जुड़ा था। तो उस तरह से मन एक से दूसरा दूसरे से जुड़ा, अपना मन जो है विचलित हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर आप बात करेंगे तो आपका मन विचलित करेंगे और सामने वाले का मन विचलित होगा, इसलिए आपको बातें नहीं करना है। तो इस तरह से बुद्ध आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जो है अपना मन का जो विचार है उसको दो प्रकार में बांट सकते हैं। तो हम क्या किस तरह बांटते हैं यहाँ पे कि जो भी विचार मेत्ता के बारे में है, करुणा के बारे में, मुदिता के बारे में, उपेक्षा के बारे में है, वो विचारों को आपको आपके मन का जो है केंद्र बनाना है, और बाकी कोई भी विचार आए उसको आपको क्या करना है, रिहा कर देना है, रिलैक्स करके स्माइल करके वापस आ जाना है। तो कोई भी विचारों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ वो विचार जो आपका ध्येय के ऊपर है उस पर ही आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन जो है विकसित होते जाएगा। तो इस सुत्ता के बारे में किसी को कोई पूछना है? कोई आपको समझ में नहीं आया जो मैंने आपको कहा या इसके बारे में? निर्वाण का मतलब अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो इसका मतलब है अज्ञानता का खत्म होना, वो है निर्वाण या निब्बाना या अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट जो भी बोलते हैं। तो जो अगर आपके पास में अगर अज्ञान, बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि समझो कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि ये जो है बॉटल के अंदर अच्छा सा हमने एक ड्रिंक बनाया है, ये बहुत मीठा है मगर इसके अंदर पॉइजन है, या कहता है कि ये ऐसा ड्रिंक बनाया है जो बहुत ही कड़वा है और ये पॉइजन है, आप लेंगे तो आपको बहुत पीड़ा हो सकती है, आप मर भी सकते हैं, तो आप लेंगे क्या? लेंगे, कोई लेगा ये ड्रिंक यहाँ पे? कोई है नहीं। तो फिर अगर मैं एक और एक उदाहरण देता, बुद्ध ने दिया है उदाहरण, अगर समझो कोई आके बोलता है कि ये जो है बहुत ही कड़वा है मगर ये औषध है, जैसे करेले का रस है, ये औषध है, आप ये पिएंगे तो आपको बहुत कड़वा लगेगी मगर आपका शरीर अच्छा रहेगा, तो आप कभी सोच सकते हैं कि आप लेना है तो ले लेंगे, अगर समझो आपका प्रॉब्लम है तो आपको इसका पूरा करने के लिए, समझो ये ऐसा ड्रिंक बनाया जाता है जैसे इसके अंदर दही डाला जाता है, इसके अंदर मोलासिस डाला जाता है, इसके अंदर घी डाला जाता है, इसके अंदर हनी जो है वो डाला जाता है, और ये एक ड्रिंक बनाया जाता है, और आपको समझो पेट खराब का है और बोलते हैं कि आपको ये जो है ये मीठा है, बहुत स्वादिष्ट भी है और आपका पेट का खराब जो हुआ है वो भी आपका हो जाएगा, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? कोई भी ये ले लेगा। तो उस तरह से बुद्ध बोलते हैं कि जो भी आप कार्य करते हैं वो किस इसलिए करते हैं क्योंकि इसका बारे में पता नहीं रहता कि ये क्या चीज है, तो आपको ये अज्ञानता के हिसाब से आप गलत काम करते हैं, अज्ञानता के हिसाब से आप शील का भंग करते हैं, अज्ञानता के हिसाब से आप दुख अपने आप को देते हैं, अज्ञानता के हिसाब से दुख दूसरों को देते हैं। जब ये अज्ञानता आपकी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपको जो है सही जो चीज है वो आप कर सकेंगे, तो फिर आप दुख का फिर निर्वाण मीन्स वो आप ये कर नहीं सकते, दुख पैदा नहीं कर सकते। तो तभी उसे उस अवस्था को कहते हैं कि जब आपका पूरी तरह से अज्ञान मिट जाता है तब वो आप निपान या निर्वाण या अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट का स्थिति पे आप पहुंचते हैं। तो आपको किस तरह से इसका ज्ञान आता है, जैसे जैसे आप मेडिटेशन में देखते हैं क्या हो रहा है उस तरफ से आपको पता चलता है कि किस तरह से मेरे मन की अवस्थाएं हैं, किस तरह से ये जो है ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ और ये परमानेंट नहीं है। तो ये आप जैसे जैसे आप सोचते हैं, जैसे जैसे आपको पता चलता है उसको आप छोड़ते जाते हैं, उसका त्याग करते जाते हैं, जैसे जैसे त्याग होता है वैसे वैसे आपका जो पकड़ा रहता है, जकड़ना रहता है, चिपकाव रहता है, वो चिपकाव जाता है, जैसे जैसे आपका चिपकाव जाता है वैसे वैसे आपका मन जो है सरल होता है, इस तरह से आपका मन शुद्ध होता है
और आखिर एक जगह आता है जहाँ पे आपका पूरा ज्ञान जो अज्ञान है वो मिट जाता है और आप का जो है निर्वाण का स्थिति पे आप पहुँचते हैं। तो ये निर्वाण का स्थिति के लिए चार चरण हैं। एक है सोतापन्न। सोतापन्न ऐसा चरण है कि अगर आप वो पहुँचते हैं, इसके अंदर दो भाग रहते हैं हर एक चरण के अंदर। एक रहता है जो है पथ रहता है और उसका जो है फल रहता है। जब आप फल का आप अनुभव करते हैं तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। जैसे आपने सोतापन्ना का पथ का आपने अनुभव किया, उसके बाद में उसका फल का अनुभव किया, तो आप इस सोतापन्ना से नीचे नहीं कर सकते। तो आपका जन्म 7 जन्म से ज़्यादा आप ले नहीं सकते, 8वां जन्म आपका होगा नहीं। आप कुछ भी कितना भी खराब काम करें, खराब काम तो आपसे होगा नहीं ऐसा तो, मगर आप जैसे ध्यान ना दे उसके उसे क्या बोलते हैं कि आप जो है आपका जो एफर्ट भी करना छोड़ दे तो भी आप क्या होगा 8वां जन्म नहीं होगा, 7 जन्म के अंदर आपका ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे ये इस सूत्र में कहा गया है, जो भी आप सोचते हैं और जिसके ऊपर ध्यान देते हैं उस तरफ आपका झुकाव हो जाता है। तो आपका झुकाव क्या हो गया है, अगर सोतापन्ना फल मिल गया है तो आपको झुकाव निब्बान की तरफ हो गया है। तो आप धीरे 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 करके आपका मन त्याग की ओर जाएगा और आखिर में 8वां जन्म आपका नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 ही जन्म के अंदर आपका निर्वाण हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जन्म सारा जन्म जो है आपके जो कर्मों के हिसाब से देवलोक में हो और देवलोक में आपका उद्धार हो जाए। तो कोई भी तरह से हो सकता है, मगर 8वां जन्म नहीं होगा। तो ये हो गया सोतापन्ना का स्टेज। दूसरा स्टेज है सकदागामी का। सोतापन्ना में क्या होता है कि 3 चीज़ें आपको जो है कड़िया जो है या बंधन है आप छोड़ देते हैं। एक आपका जो है कि अगर आप कोई क्रियाकांड करेंगे, क्रियाकांड से आपका उद्धार हो जाएगा, वो आपका जो बंधन है छूट जाता है आपका। दूसरा क्या आपको रहता है कि आप ये जो आप कर रहे हैं उससे आप निर्वाण पहुंचेंगे, आपके बारे में पूरी तरह से पता चल जाता है। तो इस पथ के बारे में जो संदेह निकल जाता है, ये दूसरा चीज होता है। तीसरा चीज है कि आपका अव्यक्तिगत जो है उसके अंदर आपको अव्यक्तिगत पना जो है या अनाथा के बारे में आपको ज्ञान आता है। तो ये 3 चीज होता है पहले चरण में। दूसरे चरण में सकदागामी में अगर आप सकदागामी पहुंचते हैं तो 2 चीज़ों का और कम होता है, जैसे आपका घृणा का और लोभ का जो है वो जो चीज़ है वो कमज़ोर होती है। तो ये जो चीज़ें कमज़ोर होती है तो आप सिर्फ 1 ही जन्म लेते हैं फिर आपका जो है आप निर्वाण पे पहुंचते हैं। तो आपका 1 जन्म से ज़्यादा नहीं होगा। फिर से आप मनुष्य का जन्म 1 बार लेंगे और उसके बाद में आपका वहाँ उस जन्म आपका आखिरी जन्म रहेगा। फिर तीसरा स्टेज रहता है उसका अनागामी बोलते हैं। अनागामी क्या मतलब है? नॉन रिटर्नर, मीन्स वो वापस नहीं आ जाएगा। वापस कहाँ पे नहीं आएगा? पृथ्वी पे ऐसा जन्म उसका नहीं होगा, आपका मनुष्य योनि में जन्म नहीं होगा। उसका उनका जन्म कैसा होता है? उनका जन्म होता है ब्रह्मलोक में और ब्रह्मलोक के अंदर वहाँ पे निर्वाण प्राप्ति होती है। उसके अंदर भी डिटेल है, वो मैं बाद में कभी बताऊँगा। तो ये तीसरे के अंदर क्या होता है कि जो 2 चीज़ आपकी कमज़ोर हुई थी, जैसे घृणा है और लोभ है, वो घृणा और लोभ दोनों चीज़ जाती है। तो दोनों चीज़ का फिर से पूरी तरह से आपका विलुप्त हो जाता है। तो जो अनागामी रहता है वो आपको वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, किसी गुस्सा नहीं कर सकता है किसी के, और कोई भी चीज़ के ऊपर उसके आसक्ति नहीं रहेगी। जैसे उसको अच्छा से अच्छा खाना दे दो तो उसके ऊपर वो चिपकाव पैदा नहीं करेगा। अच्छे से कपड़े दे दो उसके ऊपर चिपकाव नहीं पैदा होगा, और अच्छे से घर दे दो तो उसके ऊपर उसका चिपकाव पैदा नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ पे चिपकाव पैदा नहीं होगा। सो वो स्थिति है अनागामी की। उसके बाद की स्थिति है अरहंत की। तो अरहंत की स्थिति जितना हम जानते हैं और जितना हम सूत्र से पहचानते हैं उसके अंदर अरहंत का जो है सिर्फ एक भिक्खू रहता है तब वो अरहंत बन सकता है। मगर 1 या 2 जगह पे बुद्ध ने बताया है जो जो सामान्य व्यक्ति है, जो है घरेलू व्यक्ति है, जो एक है उनके पिता जब वो मरणशैया पे थे तब वो उनका वो मरणशैया पे थे तब वो अनागामी थे, मगर तब वहाँ पे उन्होंने अरहंत हो गए और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उनका
देहांत हुआ। तो ऐसा भी कहा जाता है कहीं पे कि अगर आप अगर घरेलू जीवन में जी रहे हैं और आपका जो है अरहंत हो जाते हैं, तो फिर आप 7 दिन के अंदर आप आपका इच्छा होगी कि आपको भिक्खु बन जाना है। अगर आपको भिक्खु नहीं बनना है तो आप 7 दिन के बाद आपका शरीर का त्याग कर देते हैं। तो उस तरह भी कहा जाता है। वो सूत्र में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, शायद ये कॉमेंट्रीज जो बोलते हैं इसके सूत्र के ऊपर कॉमेंट्रीज डालते हैं, उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। सूत्र के अंदर एक जगह पे वच्चगुट्टक करके है, वो आके बुद्ध से पूछता है कि ऐसा कोई एक भी व्यक्ति है जिसने सोतापन्ना आपको प्राप्त किया है? तो बुद्ध बोलते हैं कि एक नहीं मगर 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा भिक्खु है, 500 से ज़्यादा भिक्खुनी है, 500 से ज़्यादा जो है गृहस्थ नर है, गृहस्थ नारी है, उस तरह से अनागामी के लिए भी ये चारों जो है उनको बोलते हैं कि है। मगर अरहंत के लिए सिर्फ भिक्खु और जो भिक्खुनी है उसके बारे में कहते हैं, अरहंत के बारे में 500 से ज्यादा भिक्खु है, 500 से ज्यादा भी अरहंत भिक्खुनिया है। सो आप इस समझ सकते हैं कि ऐसे के जो ये स्टेज है अरहंत का स्टेज है, वो शायद एक जो गृहस्थ है उसके लिए पॉसिबल नहीं। अगर है पॉसिबल तो वो कुछ दिनों के अंदर वो भिक्खु हो जाएगा या अपना शरीर का त्याग करेगा, जिस तरह से सूक्त में बताया गया है उनके पिता का, बुद्ध के जो मीन्स सिद्धार्थ गौतम के पिता का इस तरह से हुआ था। तो वो एक उदाहरण है। और कोई सवाल? नहीं तो ये एक लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ। अपने शिक्षकों के लिए दया से क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? जो एक शिक्षक उनके कल्याण के तलाश करता है और उन पर दया करता है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है भिक्षुओं, ये है पेड़ की जड़ें, ये खाली झोपड़ियाँ, ध्यान करो भिक्षुओं, देर मत करो वरना बाद में पछताओगे, यह हमारा आपको निर्देश है। सो बुद्ध कहते हैं जो दया से करना चाहिए एक शिक्षक को उन्होंने किया है, अभी आपको समय है, आपका आपके लिए सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया है, सो वो सारे फैसिलिटीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए और आपका जो मेडिटेशन है वो आपको यहाँ पे करना है।